दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार के लाल ईशान ने किया डबल धमाल, झूमउठा प्रदेश, परिवार में जश्न। जी देखिए, बिहार के लाल ईशान किशन के कमाल पर पूरा पटना खुशी से झूम उठा है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने की खुशी देर शाम तक मनाई जाती रही। वहीं आसियाना रोड के बसंत बिहार कॉलोनी स्थित ईशान के आवास पर जश्न का माहौल रहा। आस पड़ोस के साथ रिश्तेदार व दूर दराज से लोग बधाई देने और मुंह मीठा कराने पहुंचते रहे। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किए गए ईशान किशन पर वासियों की नजर सुबह से टिकी हुई थी। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाने की खुशी ईशान के माता पिता के चेहरे पर साफ दिख रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 बॉल पर 210 रन बनाए हैं। यह वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी है। साथ ही ईशान किशन और विराट कोहली की मैराथन पार्टनरशिप के दम पर भारत ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने बांग्लादेश को 3 वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं करने दिया है। शुरुआती 2 वनडे में जीत के साथ बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की है। बड़ी खबर में देखिए, मिशन 60 के तहत मिलेगी नौकरी, राज्य के हरेक अस्पताल में बहाल होंगे स्थानीय भाषा के जानकार। जी देखिए, राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों को अब पहले से अधिक सुविधा मुहैया कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार तत्पर है। इसको लेकर विभाग द्वारा हर रोज कोई न कोई नया निर्णय लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जो ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अब राज्य के सभी सरकारी सदर अस्पतालों में स्थानीय भाषा के जानकारों की नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। वहीं देखिए, राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि अब राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों के किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्हीं की भाषा में मुहैया कराया जाएगा। यह व्यवस्था बकायदा स्वास्थ्य के नए संचालन प्रक्रिया में शामिल की गई है। इसके लिए अस्पतालों में मगही, भोजपुरी, मैथिली और बजिका जैसी भाषाओं के जानकार रखे जाएंगे। दरअसल पिछले 3 महीनों से स्वास्थ्य विभाग और मंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से मिशन चलाकर सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को निजी अस्पताल जैसी सुविधा देने की कवायद चल रही है। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने निकाले असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। जहाँ देखिये, बीपीएससी में सहायक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने दोबारा विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की नई तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 21 दिसंबर है। इस भर्ती के तहत आयोग के 44 पदों को भरा जाना है। देखिए, आयोग के सचिव सब परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने के आलोक में कुछ संशोधन के साथ दोबारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ ही आवेदक की उम्र 1 अगस्त 2022 तक न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। वही अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है। वही आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, पटना के गांधी मैदान में 15 दिसंबर से लगेगा बिहार सरस मेला, उद्यमिता से सशक्तिकरण थीम पर होगा आयोजन। जहाँ देखिये, स्वास्थ्य, संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प और हुनर के विविध रंगों को अपने अंदर संजोए बिहार सरस मेले का आयोजन 15 दिसंबर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर होने जा रहा है। वही मेले का समापन 29 दिसंबर को होगा। हमारे देश के हर राज्य के स्वदेशी उत्पाद, संस्कृति और परंपरा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साल 2014 से सरस मेले का आयोजन होता आ रहा है। बिहार सरस मेले का आयोजन बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अलग अलग थीम पर आयोजित होता रहता है। इस साल आयोजित सरस मेले का थीम उद्यमिता से सशक्तिकरण है। और देखिए, सरस मेला में देश के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और शिल्पकारों की ओर से निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियों की प्रदर्शनी सब बिक्री होगी। इसके साथ ही फूड जोन में देश और पारंपरिक व्यंजनों के विभिन्न राज्यों के स्टॉल और जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी के रसोई के स्टॉल भी होंगे। वहीं बच्चों के लिए फन जोन खास आकर्षण होगा। बाड़ीघर में देखिए, गोड्डा से राजेंद्र नगर के बीच दौड़ी नई ट्रेन, निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। जहाँ देखिये, बिहार और झारखंड के बीच एक और नई ट्रेन की शुरुआत हो गई है। गोड्डा राजेंद्र नगर को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा से राजेंद्र नगर पटना के बीच चलने वाले इस साप्ताहिक ट्रेन को दिन में 1 बजे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर गोड्डा के विधायक अमित मंडल, डीआरएम विकास चौबे व रेलवे के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं देखिए, निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछली बार गोड्डा में सियालदा के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान जनता को आश्वस्त किया था कि 1 माह में गोड्डा के लोगों को गोड्डा पीर पेते रेल लाइन के विस्तारीकरण की खुशखबरी देंगे। सांसद ने कहा कि मार्च 2023 तक गोड्डा पाकुड़ रेल परियोजना को भी स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है।
बड़े खबर में देखिए, चार राज्यों को जोड़ेगा हरा भरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार में जल्द निर्माण कार्य। जहाँ देखिए, वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बिहार में जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से गुजरेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के 162.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना है। वहीं 22.4 किलोमीटर तक निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि 22.4 किलोमीटर से सड़क बिहार के कैमूर जिले में प्रवेश कर जाएगी। वहीं देखिए, राज्य में रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए सड़क 184.7 किलोमीटर से झारखंड में प्रवेश करेगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होगा। मुगलसराय के बाद बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया जिले से होकर सड़क गुजरेगी। वहीं झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली होकर सड़क हावड़ा तक जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना, बेगूसराय समेत बिहार के 4 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं लोग। यहाँ देखिए, बिहार में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठंड के मौसम में राजधानी पटना, बेगूसराय, सिवान, दरभंगा में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इन शहरों में शनिवार 10 दिसंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया। ये चारों शहर फिलहाल देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। इसके अलावा समस्तीपुर, पूर्णिया, गया, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और भोजपुर जिले में भी हवा बहुत जहरीली है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह 10 बजे बेगूसराय में सर्वाधिक 460 AQI दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में है। वहीं बेगूसराय लगातार दूसरे दिन देश का सबसे प्रदूषित शहर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी AQI 400 के नीचे है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी शनिवार सुबह 451 AQI दर्ज किया गया। इसके बाद सिवान में 413 और दरभंगा में 404 AQI है। बड़ी खबर देखिए, 2 से 3 महीने के अंदर शुरू होगा 7वें चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, प्रधान शिक्षकों की भांति होगी नियुक्ति। जहाँ देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी विभागों के मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभागों में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग में भी जल्दी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस बात की पुष्टि खुद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पिछले 5 सालों से एक ही जगह अड्डा जमाई अफसरों को तबादला करने जा रही है। स्कूल के तत्काल मंत्री सेल को यह जानकारी देने को कहा गया है कि कौन कहां कौन से अफसर पिछले 5 सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य के अंदर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति अगले 2 से 3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह नियुक्ति पूरी तरह साफ सुथरे सिस्टम से कराया जाएगा। विभाग की तरफ से शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, BPSC सरसवें मेंस एग्जाम का फॉर्मेट बदला, अब हर सेक्शन के पहले सवाल का जवाब देना जरूरी। जहाँ देखिए, BPSC के 67वें मेंस एग्जाम को लेकर बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब कैंडिडेट को ऑप्शन सब्जेक्ट के हर सेक्शन में पहला क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना जरूरी है। आयोग की तरफ से जल्द दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वें मई के परीक्षा के प्रश्नों को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें हर ऑप्शन सब्जेक्ट के हर सेक्शन से पहले क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना जरूरी होगा। बड़ी खबर में देखिए, ललन सिंह दूसरी बार बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार ने कहा राष्ट्रीय पार्टी बनेगी जदयू। यहाँ देखिए, ललन सिंह दूसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इस बात की घोषणा शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की गई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार सरकार के तमाम मंत्री के साथ साथ कैसे त्यागी मौजूद रहे। वहीं देखिए, बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जदयू की पहचान अब क्षेत्रीय पार्टी से निकलकर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में होगी। इसके लिए ललन सिंह को अपने स्तर से मेहनत करने की जरूरत है। बता दें, पहले कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जाना था, फिर बाद में पार्टी ने फैसला लिया कि इस बैठक का आयोजन पटना के पार्टी कार्यालय सहित कॉर्पोरेट सभागार में किया गया। बड़ी खबर में देखिए, भूपेंद्र पटेल गुजरात तो सुखविंदर सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे। जहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में शनिवार को विधायक दलों के नेता चुन लिए गए हैं। शिमला में 2 दिन गहमागहमी के बाद कांग्रेस की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्कू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री चुने जाने का ऐलान हुआ है। वहीं गुजरात में भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता बने हैं। वहीं आपको बता दें कि 18वें सीएम के रूप में भूपेंद्र पटेल सोमवार को एक बार फिर शपथ लेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह और उनके साथ प्रतिभा सिंह के खेमे में मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं रविवार को दोपहर 1:30 बजे वह रिज मैदान में शपथ लेंगे। बड़ी खबर में देखिए, पटना समेत पूरे सूबे में 2 दिन के बाद बढ़ेगी ठंड। जहाँ देखिए, बड़ी खबर है, राज्य भर में पछवा और उत्तर पछवा की रफ्तार कम होने से ठंड में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान और कुहासे में वृद्धि दर्ज की गई है। धूप में विशेष गर्मी नहीं थी, लेकिन सुबह शाम ठंड की स्थिति रही है।
मौसम विदों का कहना है कि अगले दो दिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होगी। इसके बाद तेजी से पारा लुढ़केगा और मौसम सर्द होगा। वहीं देखिए हवा की गति थमने से राज्य भर में कोहरे में वृद्धि हुई है। सुबह 10 बजे के आसपास तक पटना में दृश्यता 600 मीटर तक रही है। हालांकि इसके बाद दृश्यता बढ़ी है। पटना जिले के ग्रामीण इलाकों में दोपहर में भी धुंध और कोहरे का असर दिखा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार से राज्य भर में कुहासे में वृद्धि होगी। अगली खबर में देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया एग्जाम कैलेंडर जारी। 1 फरवरी से इंटर और 14 फरवरी से 10वीं की परीक्षा होगी आयोजित। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटरमीडिएट और 10वीं बोर्ड परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करते हुए इसकी घोषणा कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि बिहार में 8 जनवरी से परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि राज्य में इसी महीने से परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड 19 दिसंबर व सैद्धांतिक का 16 जनवरी को जारी किया जाएगा। वही इसी बीच 8 जनवरी को मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल फरवरी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इसी माह बोर्ड की तरफ से इंटर की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड की तरफ से सबसे पहले इंटर की परीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर जो तारीख तय की गई है वह 1 से 11 फरवरी तक की गई है। इसके बाद 10वीं बोर्ड की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होगी। वहीं इससे पहले इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच ली जाएगी। अगली खबर में देखिए, बिहार में 2 फरवरी से होगा एसटेट के लिए आवेदन, इस तारीख को होगी परीक्षा। जहां देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटेट 2023 की तिथि जारी कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एसटेट का आयोजन 6 से 24 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। वहीं देखिए परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। एसटेट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी, 14 फरवरी तक कर सकते हैं। वहीं एसटेट का एडमिट कार्ड 24 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के बाद आंसर की पर 2 से 5 मई 2023 तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वही परीक्षा फल जून 2023 में किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। वहीं देखिए आनंद किशोर ने कहा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि या लेट फाइन के साथ आवेदन करने की तिथि समिति अपने अनुसार बढ़ा भी सकती है, लेकिन तिथि विस्तार करने का फैसला समिति सभी परिस्थितियों को देख कर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।